Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel, and today we are going to cover the first week, second week of October, important current affairs of Punjab. So let's begin with the news number one. It is related to power crisis. Obviously Punjab ke andar to hai hi hai, but all over comprehensive tarike se is topic ko hum log padhenge, cover karenge. So पंजाब के अंदर इसीलिए है बिकॉज PSPCL के एग्रीमेंट के हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड वैसा कोल सप्लाई कर नहीं रही है, ठीक है. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो थर्मल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो शट डाउन हो रहे हैं, क्योंकि उनका स्टॉक जो है कोल का वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. और इनफैक्ट तीन जो थर्मल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं पंजाब के अंदर वो ऑलरेडी शट डाउन हो रहे हैं, और अल्टीमेटली दिस वुड लीड टू अ पावर क्राइसिस इन पंजाब, राइट. तो ये एक न्यूज़ है, बट इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ डेटा के बारे में. वो डेटा क्या है, वो डेटा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया जो है इज गोइंग टू फेस द अनप्रेसिडेंटेड शॉर्टेज ऑफ कोल स्टॉक्स अक्रॉस द थर्मल पावर प्लांट्स एंड दिस वुड लीड टू अ पावर क्राइसिस इन इंडिया, ठीक है. तो ये कहा जा रहा है. थोड़ा सा और इस डेटा को हाईलाइट किया है कि 135 थर्मल पावर प्लांट्स जितने भी हैं उस जो कि कोल यूज़ कर रहे हैं, उसमें से 80% थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनका स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल कैटेगरी के अंदर है. दैट मींस ये आगे जाके शट डाउन हो सकते हैं अगर इनमें प्रॉपरली सप्लाई नहीं किया गया कोल का, ओके. और अगर हम लोग और देख लें कि 3 थर्मल पावर प्लांट्स स्टेशन जो हैं पंजाब के, 13 महाराष्ट्र के, 4 केरला के, दे आर शट डाउन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई. तो पंजाब का भी इधर नाम है कि 3 पंजाब के थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनको शट डाउन कर दिया गया है, ओके. नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल मिनिस्ट्री का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, वो स्टेटमेंट ये आ रहा है कि यस इंडिया हैज़ अ कोल एडुकेट. अच्छा, यहाँ पे कोल मिनिस्ट्री ये कह रही है दैट इंडिया हैज़ अ एडुकेट कोल सप्लाई स्टॉक है, और अगर लो इन्वेंट्री होती भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावर जनरेशन में दिक्कत आएगी या पावर जनरेशन स्टॉप हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो कोल मिनिस्ट्री का तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट हमारा ये सवाल है कि व्हाई देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कोल, तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड इट. तो पहला रीज़न जो बोला जा रहा है दैट इज़ एक्सेस रेनफॉल. अब एक्सेस रेनफॉल होने की वजह से जो कोल की मूवमेंट है उसमें दिक्कत आई, और उसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट्स को अपना जो है टाइमली कोल सप्लाई हो नहीं पाई. दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि कुछ थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो इम्पोर्ट के ऊपर, इम्पोर्टेड कोल के ऊपर डिपेंडेंट है. अब वो इम्पोर्टेड कोल जो है अब थोड़ा सा उसका इंटरनेशनल प्राइसेस उसके बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेड कोल को भी कम जो है इम्पोर्ट किया गया, और इसकी वजह से भी ये सारा क्राइसिस आ रहा है, पावर क्राइसिस आ रहा है, ठीक है. उन्होंने भी पावर जनरेशन कम किया है बिकॉज प्राइसेस जो है कोल के बढ़ गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इम्पोर्टेड कोल हमें सस्ता नहीं, महंगा मिल रहा है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंक्रीज इन पावर डिमांड. देखिए COVID-19 की वजह से क्या हुआ, स्लो डाउन की वजह से पावर यूसेज भी कम हुई, बट अब जो है COVID-19 का इम्पैक्ट कम हो रहा है और इकोनॉमी जो है दोबारा से रिकवर कर रही है, तो रिकवरी के टाइम पे पावर की जो पावर रिक्वायरमेंट जो होती है, डिमांड होती है, वो बढ़ जाती है. तो वही चीज़ देखी जा रही है, यहाँ पे पावर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, इसीलिए लग रहा है कि पावर क्राइसिस आने वाला है बिकॉज कोल की भी लिमिटेड सप्लाई हो रही है, और यहाँ पे डिमांड ऑफ पावर जो है वो भी बढ़ रही है, ओके. इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे जो हम लोग पावर जनरेशन कर रहे हैं उनके उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी घटती नहीं है, बढ़ती हुई दिख रही है जो डेटा बताया जा रहा है. अर्लियर वी वर डिपेंडेंट अराउंड 61.9%, है ना, ऑन पावर जनरेशन जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कर रहे थे, बट अभी ये जो फिगर है इट इज 66.4% ये फिगर अब आ चुका है, राइट. तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत में होगा अगर इन ऑर्डर टू अचीव द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, या कार्बन फुटप्रिंट, या इस तरीके से जो 2035 का जो टारगेट है हमारा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, वो फिर इस फिगर के अगेंस्ट जा रहा है, वो गलत हो रहा है, ठीक है. नाउ हम लोग ये आपने स्पेसिफिकली भी अंडरस्टूड व्हाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कोल,
व्हाट इज़ द स्टेटमेंट जो कोल मिनिस्ट्री के आ रही है, पंजाब का क्या सिचुएशन है और बाकी दो तीन राज्य का क्या सिचुएशन है कोल इस पावर जनरेशन के केस में, वो हमने देख लिया। नाउ हम लोग एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पंजाब रजिस्टर्ड 24.76% ग्रोथ इन GST रेवेन्यू रिसेप्ट। सो वही इसका मेजर रीज़न है। रीज़न ये है, देखिए पहली बात तो यह है कि पंजाब का जो ग्रोथ हुआ है GST कलेक्शन के अंदर वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और ये पिछले अगर कंपैरेटिवली क्वार्टर्स के द सेम क्वार्टर और पिछले साल का क्वार्टर के साथ मैच करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यू नो ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये आगे कंटिन्यू रहने वाली है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी कि वाई इट इज़ सो, ये क्यों इस तरीके से हो रहा है। ऑब्वियसली जो मेजर रीज़न यही बताया जा रहा है कि COVID-19 की रिकवरी में इकॉनमी रिकवरी कर रही है, और इकॉनमी रिकवरी कर रही है इसीलिए ये रेवेन्यू कलेक्शन इतना बड़ा हुआ है। और भी कुछ इसके रीजंस हैं वो भी देख लेते हैं, प्रोबेबल रीजंस क्या है वो भी देखते हैं। सो इंडिकेटिंग अ रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 GST कलेक्शन इतना बड़ा है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि व्हाट शुड बी द सेक्टोरल एनालिसिस, कौन कौन से सेक्टर्स में ये देखा गया है, ग्रोथ देखी गई है GST रिसिप्ट के अंदर। उसमें है हमारे पास आयरन एंड स्टील, वी हैव ऑटोमोबाइल सेक्टर, वी हैव इंश्योरेंस, टेलीकॉम सेक्टर, देन ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सेक्टर एंड नॉन वेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनमें हमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है GST कलेक्शन के अंदर, अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। COVID-19 रिकवरी वो तो हमने देख लिया, दूसरा इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है आफ्टर द COVID-19 वो हमने देख लिया। दूसरा रीज़न क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंटी इवेजन एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसने कोशिश की है कि कोई धांधलेबाजी ना हो, कोई इवेड ना कर पाए अपना टैक्स, जिसको लायबिलिटी बनती है वो पे कर पाए, ऐसे कुछ मेजर्स लिए गए हैं और वही जो है स्ट्रॉन्ग एंटी इवेजन एक्टिविटीज़ को किया गया है, फैसिलिटेट किया गया है बाय द डिपार्टमेंट। इसके अलावा हम बात करते हैं टैक्स पेयर्स ने प्रॉपरली टैक्स दिया है, जो जो कंडीशंस है, जो जो जरिए हैं उस जरियों को तरीके से फॉलो किया है, एंड इसकी वजह से भी ये हमें देखने को मिलता है इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा मशीन लर्निंग के बेसिस पे जो भी डेटा है वो एनालिसिस किया गया है। तो देखिए टैक्स कलेक्शन करते हैं और GST कलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी कोई बीच में एरर ओमिशन ना हो जाए, ह्यूमन एरर ओमिशन बहुत सारे हो सकते हैं। इस बार जो है डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे से किया गया है, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करें इंटेलिजेंट ऑन रोड डिटेंशन विथ स्पेशल फोकस ऑन टैक्स पेयर्स एंगेज्ड इन फेक बिलिंग, तो ये सारे जरिए यूज़ किए गए हैं ताकि एक तरीके से टेक्नोलॉजी का यूसेज किया जाए और डिटेक्शन जो है बहुत तरीके से हो। और इसके अलावा इंटेलिजेंट ऑन रोड डिटेंशन विद द स्पेशल फोकस ऑन टैक्स पेयर्स, और इसके अलावा पॉजिटिव ट्रेंड विटनेस्ड इन द रेवेन्यू सो फार इज़ लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग मंथ एज वेल। तो ये ऑब्वियसली आगे भी रहने वाला है क्योंकि इकॉनमी रिकवर कर रही है और ये सारे मेजर्स जो हैं लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन जो है बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है, ADGB जो है हमारे राय इज़ अ न्यू इंटेलिजेंस चीफ, राइट। सो न्यू पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस चीफ कौन से हैं हमारे, ADGB AS राय। तो आप थोड़ा सा इनको याद रख लीजिए, नाम है पर्सन इन न्यूज़ के अंदर आ जाता है कई बार। बहुत सारा रीशफलिंग हुआ है पंजाब के अंदर, SSBs को रीशफल किया है और ये हमारे नए ADGB AS राय हैं जो न्यू पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस चीफ हैं, ओके। नाउ एक और इनिशिएटिव लिया गया है टू प्रोवाइड दी ट्रीटेड वाटर फॉर इरीगेशन इन पंजाब। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि देखिए पंजाब के जो सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं राणा गुरजीत सिंह, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है, शुरुआत की है ताकि एक इरिगेशन पर्पसेस के लिए जो फार्मर्स हैं उनको पूरा साल भर ट्रीटेड वाटर मिल पाए।
अब ये ट्रीटेड वाटर क्या है, अनट्रीटेड वाटर क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले इरिगेशन के लिए अनट्रीटेड वाटर प्रोवाइड कराया जाता था जिसमें केमिकल्स होते थे। वो केमिकल्स क्या है, वो केमिकल्स कहीं ना कहीं क्रॉप यील्ड जो है, जो खेती है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट करते थे। तो अब इसको इतने एकर्स के अंदर, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, इस इतनी कॉस्टिक के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी को स्टार्ट किया जा रहा है सबसे पहले पिपलन वाली विलेज के अंदर, एंड इट वुड केटर इरिगेशन नीड्स ऑफ 7 विलेजेस, 7 गांवों की इरिगेशन नीड्स को ये केटर करेगा विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर ऑफ होशियारपुर सिटी थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम। सो होशियारपुर सिटी का जो है ये सिस्टम यूज़ किया जाएगा, वाटर सिस्टम यूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड दिस इरिगेशन नीड्स जो 7 विलेजेस की है। ट्रीटेड वाटर टू 7 विलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, अंडरस्टैंड? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से गांव हैं। गांव लर्न करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये थोड़ा ये याद रख लीजिए कि ये पहला गांव है जहां पे ये शुरुआत की जा रही है, बाकी और भी गांव हैं जहां पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, 7 गांव हैं। अब ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है इस गांव के अंदर, ये फैसिलिटेट करेगा फार्मर्स को, हेल्दी वाटर जो है फार्मर्स को मिल पाएगा अपनी फील्ड के लिए, अपने क्रॉप्स के लिए, एंड उनको जो है दे डो नॉट नीड टू यूज़ द अनट्रीटेड वाटर एज यूज अर्लियर कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स। तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते थे तो इसीलिए वो नहीं उनको मिल पाएगा, और ऑब्वियसली सारा साल भर जो है ये वाटर जो है अवेलेबल रहेगा फार्मर्स के लिए, पहली चीज़ तो ये है। और दिस वुड ऑल्सो, ये जो वाटर है ये रिच होगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, एंड इट वुड ऑल्सो इंक्रीज द यील्ड। हमने ये भी चीज़ पढ़ ली है, राइट? तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एग्रीकल्चर के हिसाब से, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए काम का है। अब नेक्स्ट हमारा एक और नया स्कीम है जो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की, उनके लिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए मेरा घर मेरा नाम स्कीम शुरू की गई है। ये की गई है थ्रू द पंजाब करंट CM चरणजीत सिंह चन्नी, इनके द्वारा इन्होंने ये बेसिकली प्रोवाइड कराना है ओनरशिप राइट्स। तो उन सभी को ओनरशिप राइट मिलेंगे, जो उन सभी लोगों को ओनरशिप राइट मिलेंगे जो रह रहे हैं लाल लकीर के अंदर, लाल लकीर के अंदर रहते हैं, चाहे वो गांव है, गांव के अंदर लाल लकीर वाला एरिया होगा वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको ओनरशिप राइट मिलेंगे उसी जगह के। और ये गांव की बात कर रहा हूँ, और सिटीज़ में भी लाल लकीर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको वो ओनरशिप राइट मिलेंगे, अंडरस्टैंड? ठीक है, चाहे ये सिटीज़ हैं चाहे ये गांव हैं, ठीक है? और ये होंगे अंडर प्रिविलेज और नीडी स्ट्रैटा ही इस जगह पे रहते हैं, तो उनको जो है ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे। नाउ ये एक्सटेंड किया जाएगा गांव से, विलेजेस से टू रेसिडेंट सिटीज़ लिविंग विद इन दिस लाल लकीर, ओके? सो इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले तो ये मेक श्योर किया जाएगा कि प्रॉपर सर्वे हो, डिजिटल सर्वे हो, ड्रोन सर्वे किया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया है कि ड्रोन सर्वे किया जाएगा रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर, और ये चेक किया जाएगा कि किस किस की कौन कौन सी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, और इसी को ही हम लोग डिजिटल मैपिंग भी कहते हैं। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम मैंडेटरी कर दिया गया है कि ड्रोन सर्वे किया जाए, रेसिडेंशियल एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, दैट वुड लेड टू डिजिटल मैपिंग प्रॉपरली किया जाएगा, ओके? नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पंजाब के अंदर इस बार दशहरा और लास्ट ईयर के दशहरा के कंपैरिजन किया जा रहा है कि दशहरा वाले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द दशहरा, जितना पॉल्यूशन लेवल था वो काफ़ी कम है एज इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर जो दशहरा हुआ था, उसके नेक्स्ट डे जो पॉल्यूशन लेवल था उससे काफ़ी कम इस बार का पॉल्यूशन लेवल है। एनवायरनमेंट के अंदर हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट लेड टू दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ा है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के, क्या इसका रीज़न है, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो मैंने आपको पॉइंट तो समझा ही दिया कि जो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है रिकॉर्ड द लेस एयर पॉल्यूशन ऑन दशहरा देन द लास्ट ईयर। अब इसमें पहला फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है फ्यूअर फार्म्स फायर,
नाउ स्टबल बर्निंग हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये ऐसा टाइम होता है जब स्टबल बर्निंग किया जाता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन, एक स्मोकी क्लाउड्स बन जाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस बार जो है फार्म फायर कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कम है, तो दैट मीन्स देर इज़ अ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन दिस एग्रीकल्चरल फील्ड में। पहला रीज़न तो ये हो गया, और दूसरा रीज़न ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट था, ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट था, रेनफॉल भी हुई। रेनफॉल होगी ऑब्वियसली, तो उससे क्या होगा, जितना भी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके एयर के अंदर जितने सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। इसकी वजह से क्लीन जो है एटमॉस्फेयर दिखता है, क्लीन एनवायरनमेंट दिखता है हमें, राइट। तो इस बार स्टबल बर्निंग भी हुई है, कम हुई है, और साथ ही साथ ये फैक्टर्स की वजह से दिस इज टेकिंग प्लेस, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी जो ज्यूरिडिक्शन है बीएसएफ की, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पंजाब हो गया, तो पंजाब बीएसएफ में जो बॉर्डर है वो बीएसएफ देखती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बीएसएफ इज नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको कहा जाता है, इट इज़ नॉट द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 365 दिन के अंदर 365 दिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी तब आर्मी इनका जगह ले लेगी और बीएसएफ पीछे आ जाएगी, लेकिन मेजरली 99% यही जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्स, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्स। लेट्स टॉक अबाउट इट इन वॉट रिसेंटली हैपेंड इज MHA, क्योंकि ये सारी जो फोर्सेज होती है सेंट्रल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्सेज, दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह। सो दे हैव एक्सटेंडेड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ BSF अप टू 50 kilometers, तो 50 kilometers इनसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इनकी ज्यूरिडिक्शन होगी, इनके पास अलग अलग अधिकार होंगे, पावर्स होंगी, सो दैट कि ये जो है जो आजकल के टाइम पे हो रहे हैं वो बहुत सारे ड्रोन जो पकड़े जाते हैं, ड्रोन पकड़े जाते हैं, यू नो वो ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स होते हैं, उनके ऊपर ये ज़्यादा कंट्रोल कर पाए। पंजाब के अंदर किया गया है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया है और असम के अंदर किया गया है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। इसके अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जल्दी से जल्दी हम लोग BSF पढ़ लेते हैं कि BSF में होता क्या है। देखिए इट इज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्स, नंबर वन पॉइंट। ये बॉर्डर किसके साथ होती है, गार्ड करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कंट्रीज है उनके साथ जो है ये बॉर्डर गार्ड किया जाता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। नाउ ये इस्टेब्लिश किया गया था इस फोर्स को 1 दिसंबर 1965 इसको सेटअप किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे 1965 की जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए स्पेसिफिक जो है फोर्स होनी चाहिए, राइट। तो तब से लेके आज तक ये हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले एरियाज में। इनका जो BSF है या जितनी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उनका अपना कैडर ऑफिसर होता है, मतलब आप भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट सिविल सर्विसेज की, साथ ही साथ आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें वो एग्ज़ाम होता है जो असिस्टेंट कमांडेंट बनाता है BSF CRPF इसमें, क्योंकि इनका अपना खुद कार्डर ऑफ ऑफिसर्स होता है, बट इनके ऊपर भी एक डेप्यूटेशन पे ऑफिसर्स जाते हैं जो IPS रैंक के होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, वो हमें पता है कि वो स्कार्सली पॉपुलेटेड बॉर्डर्स हैं, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। सो इसी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे हार्डली एनी पुलिस स्टेशन, कई किलोमीटर्स तक देखेंगे तो पुलिस स्टेशन का वहाँ पे नहीं होती है फैसिलिटी, राइट। सो इसीलिए BSF को ये सोचा गया कि इतने सारे पुलिस स्टेशन बनाने की, वहाँ पे पुलिस स्टेशन का एग्जिस्टेंस बहुत कम है, और है भी तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैन पावर क्रंच, पुलिस स्टेशन है भी ना तो वहाँ पे आपको शॉर्ट स्टाफ्ड पुलिस स्टेशन दिखेंगे। सो इन ऑर्डर टू यू नो गिव लिटिल बिट, जो BSF है वहाँ पे बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रही है, तो उनको इसीलिए वहाँ पे पावर दे दी ताकि एक तरीके से ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स के ऊपर बेटर ग्रिप हो पाए,
उनको कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स जो होते हैं वो बीएसएफ कई सालों से, जब से इसका शुरुआत हुई है तब से बीएसएफ इन ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स को कंट्रोल कर रही है, प्रिवेंट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाए, और इसीलिए बीएसएफ को पावर्स भी दी गई है अरेस्ट करने की। नाउ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसमें से मेजरली जो इश्यूज़ हैं वो हैं जैसे इनक्रोचमेंट का इशू देखा जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, इलीगल इनकर्जन देखे जाते हैं, और ड्रग एंड कैटल स्मगलिंग तो देखी ही जाती है इन बॉर्डर्स में। नाउ व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द ज्यूरिडिक्शन? सो गवर्नमेंट ने ये ज्यूरिडिक्शन को एक्सटेंड इसीलिए किया, थोड़ा सा चिंताजनक कारण बन सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने तो एक तरीके से इसका प्रोटेस्ट भी किया, थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट दिखाने की कोशिश की। गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एमएचए का ये स्टैंड है कि ऑब्जेक्टिव यही है ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बीएसएफ की और इम्प्रूव की जाए। जैसे हम जानते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में मीलों मील कोई आपको एग्जिस्टेंस लोगों का बहुत कम दिखेगा और पुलिस का भी एग्जिस्टेंस बहुत कम है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बीएसएफ वहाँ पे एक्टिवली परफॉर्म कर रही है, तो उनको जो है एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए थोड़ी पावर देनी चाहिए, जो पुलिस पावर है वो बीएसएफ को भी देनी चाहिए, राइट। और दूसरी बात यह है यूनिफॉर्मिटी के लिए। पहले क्या है, पहले बीएसएफ डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन थी बीएसएफ की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, ठीक है, अलग राज्यों में अलग ज्यूरिडिक्शन थी। अब क्या है, यूनिफॉर्मिटी होगी, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके पास वो ज्यूरिडिक्शन सिमिलर रहेगी, चाहे बीएसएफ कहीं पर भी सर्व कर रही है। दूसरी बात, ये सारे स्टेट्स के अंदर होगा जहां पर भी बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है पंजाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, राइट। और साथ ही साथ कई बार क्या होता था, जो अभी से पहले ऐसा हो देखा जाता था कि बीएसएफ जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट बीएसएफ को मिलता था, लेकिन वो बीएसएफ क्या करती थी, वो क्राइम सीन होने से पहले वो कुछ कर नहीं पाती थी, बिकॉज उसको बाद में पता लगता था इट इज़ आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, तो फिर वो प्रॉपरली एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते थे अपने टास्क, ओके। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे ड्रोन ड्रॉपिंग हुआ है, ऑफ वेपन्स हुआ है, ड्रग्स हुआ है, तो कई बार क्या होता है, कई बार बीएसएफ के दायरे से वो बाहर निकल जाती है चीज़ें, और इसी वजह से फिर वो पुलिस के पास चली जाती है, फिर वो थोड़ा सा डिलेड प्रोसेस हो जाता है, शिफ्टिंग ऑफ केसेस हो जाते हैं, एविडेंस देने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें फिर दोबारा से चलती है, इसीलिए अल्टीमेटली बीएसएफ को ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेट पुलिस ज्यूरिडिक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, बिकॉज ये जो लोकल पुलिस है उसके एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा, बीएसएफ के एफर्ट्स और स्टेट पुलिस के एफर्ट्स दोनों मिलेंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एंड वुड डेफिनेटली गोइंग टू कंट्रोल दीज ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि अगर बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन पुलिस एक्सटेंड कर दी गई है और पुलिस वाली ही ज्यूरिडिक्शन बीएसएफ के पास अब है, तो पुलिस की जो लोकल पुलिस की ज्यूरिडिक्शन है वो खत्म हो गई है। नो, लोकल पुलिस कैन ऑल्सो एक्ट इन दोज सेम एरियाज में। स्टेट पुलिस जो हैव बेटर नॉलेज ऑफ द ग्राउंड, ये तो मानना पड़ेगा, स्टेट पुलिस के पास दे नो पीपल, उनका लोकल लेवल पे अच्छा ग्राउंड एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस बीएसएफ को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, बीएसएफ को हेल्प कर सकता है टू एक्ट फॉर टू मेक श्योर कि उनका जो भी टास्क है वो पूरा परफॉर्म हो, कॉपरेशन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है इन दोनों के बीच में, राइट। सो क्रिटिसिज्म यही किया जा रहा है इस मूव का कि एट द बेसिक लेवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिस हिसाब से बोला जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर वाला जो सब्जेक्ट है दैट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। सो एनहांसिंग द बीएसएफ ज्यूरिडिक्शन कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से उसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है, एक रुकावट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही है, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है, बट ये जो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है कहीं ना कहीं इसके ऊपर पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है, इन्फ्रिंज करने की कोशिश किया जा रहा है बाय दिस मूव, राइट। सो आज की क्लास में वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर एंड इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।